ਬੱਲੀਏ ਕਰਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ राम राम भाई। सारा भाई ने मैं आपका भाई कुणाल यादव लेकर आज के भाई आज ओनरशिप रिव्यू i20 बेस वेरिएंट है भाई अपने साथ है साहिल यादव भाई का नाम है क्या है भाई बढ़िया भाई राम राम कर दो भाई राम राम भाई सारा भाई ने तो भाई कौन सा मॉडल आपका भाई है बेस मॉडल है कब ली थी भाई आपने ये भाई 25 दिसंबर को ली थी बेस मॉडल की अब अगर मान लो कीमत की बात करते हैं तो आपको ऑन रोड कितने की पड़ गई थी भाई ऑन रोड पड़ी थी 780 की पड़ी थी अपने भाइयों को ये बताओ आपने लेते वक्त मतलब i20 देखी थी या कोई और भी आपकी जो है चॉइस थी ना भाई हमने तो i20 देखी थी पसंद आ गई थी बड़े बढ़िया i20 आपने लेनी थी हाँ i20 का ही प्लान था और i20 ही ले ली तो बेस मॉडल में क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाते हैं भाई भाई सारे फीचर इसके अंदर मतलब जो जो यूजफुल आपने लगे वो सारे लगभग आपने सारे मिल गए हाँ तो भाई आप देख सकते हो सबसे पहले तो आप जैसे ग्रिल देखोगे इसकी तो आपको ये नहीं लगेगा कहीं से बेस मॉडल है क्योंकि ये जो ग्रिल दे रखी है सब जो है ग्लोसी कलर में दे रखी है कोई भी वैसा कलर नहीं है ये देख सकते हो आप नीचे की तरफ ग्लोसी ब्लैक कलर सारा जो है इस्तेमाल किया है तो कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन इसकी लुक निकल कर आती है लेकिन लाइट्स की अगर बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं प्रोजेक्टर वगैरह LED वगैरह कुछ भी नहीं मिलती है हैलोजन बल्ब देखने को मिलते हैं तो भाई लाइट का थ्रो कैसा है रात के टाइम भाई लाइट का थ्रो अच्छा है बट वो जो LED लाइट है उसके मुकाबले कमजोर है बाकी बढ़िया है कुल मिलाकर आपको ये तो हाँ। नहीं लगता कि भाई अपग्रेड की जरूरत ना, है अपग्रेड की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी ओके काम चल रहा है हाँ। नीचे की तरफ भाई आप हैलोजन बल्ब देख सकते हो और ये जो है यहाँ पे जरूर आपको LED देखने को मिल जाती है इसके अंदर ठीक है भाई ये सारी चीजें हैं साइड प्रोफाइल गाड़ी की अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले तो टायर देख लेते हैं ब्रिजस्टोन के इसमें टायर मिलते हैं जिनका साइज ये आप देख सकते हो 185/65 R15 कोई भी इसमें अलॉय व्हील नहीं मिलता लेकिन ये जो कवर है ये काफी बेहतरीन हुंडई ने बनाया है इसके साथ नट्स के साथ अगर भाई कई कवर ऐसे होते हैं जिनमें नट नहीं होते फिर लोग बाग बाहर जैसे आप पार्किंग में खड़ी करते हो तो इनको निकाल कर ले जाते हैं व्हील कवर को इसमें ये सेफ्टी हो जाती है नट मिल जाते हैं तो और भाई गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बताओ आप ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है भाई इसकी बढ़िया कभी भी टच होती हो कहीं भी अब तक तो हुई नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं आ रही है बाकी कोई भी भाई रिक्वेस्ट सेंसर बटन नहीं है क्योंकि ये है बेस वेरिएंट पीछे की तरफ आ जाते हैं पीछे आ जाओ भाई पीछे भाई इसमें LED लाइट मिलती है कैसे क्या ना LED लाइट नहीं है भाई नॉर्मल मिलती है वाइपर डिफोगर भी इस वेरिएंट में नहीं आता भाई मैग्ना वेरिएंट है ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप ये अपना नॉर्मल एंटीना आपको मिल जाता है बाकी हुंडई का लोगो हो गया और भाई ये कैमरा हम देख रहे हैं ये आपने कंपनी से लगवाया या कैसे बाहर से भाई ये बाहर से लगवाया था ये किस कितनी क्या कॉस्ट आ गई थी इनकी इसकी और जंदर वो लगवाया स्टीरियो हाँ उसकी दोनों को मिला के 10,000 10,000 का भाई को स्टीरियो भी और ये भी उसके अलावा भी कोई काम करवाया है ना उसके अलावा कोई काम नहीं कराया नीचे की तरफ भाई आप फिर देख सकते हो बेस वेरिएंट में ही जो है ग्लोसी कलर में ये जो है प्रोवाइड किया है कंपनी ने जो कि बहुत ही अच्छी चीज है अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और अंदर फीचर्स देखते हैं क्या कुछ है की बात करते हैं सबसे पहले तो ये देखो भाई बेस वेरिएंट है बेशक लेकिन सेंट्रल लुकिंग जो है कंपनी से ही मिलती है फ्लिप की देखने को मिलती है जो कि मारुति कभी भी प्रोवाइड नहीं करती लॉक अनलॉक इसको आप होल्ड करके रखोगे तो आपका बूट अनलॉक हो जाता है ठीक है भाई तो ये देखो भाई स्टेयरिंग व्हील में यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो ट्रिप देख सकते हो यहाँ पे अपना मोड वगैरह स्टीरियो से रिलेटेड जो भी कंट्रोल होते हैं भाई ये इसमें वर्क करते हैं अच्छी तरीके से इसमें प्रॉपर टच एक नंबर के बिल्कुल वर्क कर रहे हैं सारे ये भी अच्छे से बिल्कुल ये अपना कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के लिए स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देखते हैं तो ऊपर नीचे आप कर सकते हो अंदर बाहर ये नहीं आता भाई आता है भाई ये देखो बेस वेरिएंट में भी जो है ये सारे दे रखे हैं आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तो ये बहुत ही बेहतरीन काम है और सीट की बात करते हैं तो सीट हाइट एडजस्टेबल बेशक नहीं मिलती लेकिन ये काफी अच्छा लगा भाई और बताओ भाई अंदर से क्वालिटी वगैरह प्लास्टिक की कैसी लग रही है आपको भाई अच्छी है बढ़िया किलोमीटर आप देख सकते हैं भाई 3,377 किलोमीटर भाई आपने टोटल चला ली इन किलोमीटर में आपने एवरेज क्या निकाल के दे रही गाड़ी भाई अगर लाइट उस पे चलाओगे फुट पे तो 15-16 ही दे देती है सिटी में हाँ, और थोड़ी खैच के ले तो
तो वही 13-14। तो कुल मिलाकर मतलब एवरेज वाइज गाड़ी अच्छी पड़ती है बढ़िया, पेट्रोल में देखा था ना, पेट्रोल के अंदर है और भाई एवरेज अच्छी दे रही है। और हाईवे पे, हाईवे पर अगर आप क्रूज चलाओगे 70-80 हाँ तो आपको 20-22 तक दे देगी। 20-22 के आराम से निकाल हाँ देती क्योंकि है। हमने इसमें लिखाड़ी हो रही है तो उस टाइम पैसेंजर कितने थे गाड़ी में? 4 पैसेंजर, एसी ऑन है एसी ऑन था तो भाई। एवरेज तो भाई कुल मिलाकर बढ़िया निकाल रही है। 1200 cc पेट्रोल इंजन इसमें देखने को मिलता है। ये सारी चीजें मैंने आपको जो है बताई दी थी। मैनुअल एसी देखने को मिलता है। एसी की कूलिंग कैसी भाई? भाई एसी कूलिंग बहुत बढ़िया, हुंडई वालों की हाँ बहुत अच्छी चीज है एसी ब्रेकिंग, मेरे को भाई बहुत अच्छी लगती है एसी। और भाई एक चीज और, चलो इसका ड्राइविंग रिव्यू बना देंगे उसमें देख लेना। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ये आपको स्पेस मिलता है, लेकिन ये कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता ना भाई। ना कूल्ड नहीं भाई, बाकी ये सारी चीज है, डैशबोर्ड देख लो भाई, कुल मिलाकर ओके है। ये थोड़ा सा जैसा रहता है नॉर्मल वही है, ये देखो ठीक है भाई। IRVM ये हो गया, मैनुअली है, ये सारी चीजें होगी है भाई। स्पेस वाइज गाड़ी कैसी लगी? स्पेस भाई अच्छा है, 5 बंदे आराम से बैठ जाए। हाँ अभी एक बार चेक कर लेते हैं। बाकी अभी देखो भाई आप सिटी में ही चला के लाए हो ज्यादातर, तो मतलब नॉर्मल तो 18.6 की एवरेज निकाल रही भाई, देख लो और क्या बिल्कुल चाहिए। अभी एक बार मैं करता हूँ सीट एडजस्ट और पीछे चल के स्पेस देखते हैं भाई क्या कुछ है। चारू पावर विंडो भाई आपको ये कंपनी चारू मिलती है, हाँ बिल्कुल भाई, एक्स्ट्रा तो नहीं लगवाई ना ना एसेसरी में? कुछ भी नहीं है, बस एक ये लगवाया था, हाँ उसके अलावा कुछ नहीं है। देख लो भाई चारू पावर विंडो सारी चीजें, और क्या चाहिए भाई बेस मॉडल में। तो पीछे चलते हैं, सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, 6 फीट की भाई मेरी हाइट है, तो उस हिसाब से अब मैं भाई बिल्कुल कंफर्टेबल बैठा हूँ। तो पीछे चलते हैं भाई, आप भी एक बार अपनी को एडजस्ट कर लो भाई। आपकी हाइट कितनी है? भाई मेरी 5'7", कंफर्टेबल तो 5'7" की भाई की हाइट है, अच्छे से कंफर्टेबल रहना, ऐसे बैठते हो बिल्कुल सीधे। हाँ। चलो भाई पीछे चलो। ये देखो भाई स्पेस वाइज वही है जो अपनी बलेनो है ना, उतना ही लगभग इसमें स्पेस मिल जाता है, थोड़ा बहुत बेहतर ही मिलता है, देख लो आराम से। नी रूम काफी अच्छा है और नीचे की तरफ मैं ये पैर भी आगे की तरफ आराम से फैला सकता हूँ। हेड रूम में भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, और भाई की तो मौज ही मौज है, 5'7" भाई की हाइट का बिल्कुल हिसाब से देखा तो। पीछे भी ये सी वेंट मिलते हैं भाई बेस मॉडल में, तो भाई बहुत वैल्यू फॉर मनी आपने पिक करा वेरियंट भाई तो। बिल्कुल, हुंडई वाले चीज बहुत अच्छी है भाई ये। वैसे एक चीज है, जो हेड रेस्ट है पीछे की तरफ वो एडजस्टेबल इसमें नहीं मिलते, बाकी हैंड रेस्ट भी नहीं मिलता। और बूट स्पेस कैसा है भाई? बूट स्पेस भाई चेक नहीं करा मैंने अभी तक, आपने मतलब चेक ही नहीं? ट्रिप पे नहीं अच्छा गया मतलब मैं कभी। वैसे सामान वगैरह नहीं रखा हाँ है। वैसे रखा नहीं चलो था। बूट स्पेस और देखते हैं एक बार। तो मैग्नेटिक बटन यहाँ पे मिलता है भाई, कई जो है बेस मॉडल में ये नहीं देते, अंदर से ही खोलना पड़ता है। पार्सल ट्रे भाई इसमें नहीं मिली होगी बेस ना मॉडल में ना ना। पार्सल ट्रेन नहीं है। ये देखो भाई बूट स्पेस कुल मिलाकर है बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेयर टायर की बात करते हैं तो स्पेयर टायर 14 इंच का इसमें यहाँ पे देखने को मिलता है, 185/70 R14, 1 इंच छोटा। बाकी ऊपर की तरफ ये देख लो प्लास्टिक कवरिंग मिलती है भाई बेस मॉडल में भी, और यहाँ से आप जो इमरजेंसी में बूट में से एस्केप हो सकते हो, यहाँ पे चाबी डाल के, वही जो सेम अपनी पोलोम दे रखा ना वही वाला सिस्टम है भाई। तो ये सारी चीजें कवर्ड है बेस मॉडल में, वो भाई बहुत ही अच्छी चीज लगी, यहाँ से आप देख सकते हो ये चीजें ठीक है भाई। अब एक बार इसका इंजन कंपार्टमेंट और देख लेते हैं। तो भाई ये आप देख सकते हो 1200 cc का इसमें इंजन मिलता है, जो कि 82 bhp और 114 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। इंजन देख ले देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बड़ा इसमें इंजन देखने को मिलता है। नीचे की तरफ कवरिंग जैसा कि आपको पता है कोई भी गाड़ी नहीं दे रही है, तो ये स्पेस जो है खाली रहता है यहाँ पे ठीक है भाई। अब साहिल भाई से पूछना चाहूंगा भाई, इसकी परफॉर्मेंस कैसी आती है 82 bhp की? भाई बढ़िया, एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार ना की? ना कहीं भी आपने लगता हो भाई AC जैसे ऑन करते दबाव मानती हो एसी थोड़ा बहुत, करते हैं जब थोड़ा बहुत हो जाता है। पिकअप विकअप कैसा है? पिकअप भाई बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बेहतरीन। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है ऊपर? बाकी इंसुलेशन के लिए कोई इसमें पड़दा नहीं है, हो सकता है भाई इस तो ऊपर जो टॉप मॉडल है उसमें जरूर कहीं ना कहीं उन्हें दिया होगा। अब मैं एक बार इसको स्टार्ट करके इसकी आवाज और सुना देता हूँ। ये देख लो भाई स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी, AC अभी ऑफ है, तो सिर्फ और सिर्फ इनकी आवाज आ रही है भाई बेल्ट की। एक बार इसको बंद करके देखते हैं कितनी इंसुलेशन है इसमें। ये देख लो भाई थोड़ी बहुत ही जो है इसमें आवाज आती है, बाकी इंजन जो है बिल्कुल साइलेंट है, रिफाइंड है। कैबिन के अंदर की अगर इंजन की बात करते हैं आवाज की, कैबिन के अंदर भाई
थोड़ा बहुत ही महसूस होता है, बस ज्यादा नहीं। तो भाई यही था आज का अपना ओनरशिप रिव्यू। साहिल भाई ने जो अपना ओनरशिप कीमती टाइम निकाल के भाई ने रिव्यू की वीडियो बनाई, बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।